नमस्ते, स्वागत है आपका होम गार्डनिंग एंड क्रिएटिविटी में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने गार्डन पे लगे हुए कमेलिया के प्लांट को। तो 2 साल इस प्लांट को हो गए गार्डन पे लगे हुए, पहली बार इसमें फ्लावरिंग हो रही है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। पहली बार इसका फूल देख के अपने गार्डन में, 2 बार ही मैंने लगा चुकी हूँ उसे। तो पहले वाला कुछ दिन चला, फिर सूख गया था। अभी वाला प्लांट जो है मैंने ऐसी जगह में लगाया है जहाँ पर तेज धूप नहीं रहती है, सेमी शेडेड एरिया है ये। ये वीडियो शूट किया था मैंने फर्स्ट वीक में। छोटा सा प्लांट है, 7-8 बर्ड बनी हुई है इसमें। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये पहले दिन का देखें, पहला फूल इसमें खिला हुआ है। विंटर सीजन पसंद है। अब ये देखिए, दूसरा दिन है, दूसरे दिन में ये पूरा फूल खिल चुका है। रोज की तरह ये फ्लावर दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है अभी। तो मैं रोज का वीडियो बनाया है मैंने, जब तक ये पूरे बर्ड खिलेंगे नहीं तो मैं वीडियो बना रही हूँ रोज। बहुत खूबसूरत प्लांट है, आप भी ऐड कीजिए अपने गार्डन में। और ये पूरा भर जाने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगता है ये प्लांट, और कई सारे शेड में आता है ये। ये सिंगल कलर में भी मैंने कहीं किसी के गार्डन में देखा था, मेरे पास एक डबल शेड का आया है। जब मैंने प्लांट ख़रीदा था तो मुझे पता नहीं था इसमें किस तरह के फ्लावर आएंगे। मुझे लग रहा था लाइट पिंक शायद ये खिलेंगे, अब देखा तो ये डबल शेड में खिले हुए हैं। तो देखिए, इसमें 6 बर्ड आई हुई। नवंबर या अक्टूबर में मैंने इसमें गोबर की खाद डाली थी, उसके बाद अभी जनवरी में डाला था मैंने NPK। तो उसके बाद काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है। और इसका मैंने बता दिया है, इसे मैंने सेमी शेडेड एरिया में लगाया है, पूरे गार्डन में लगाया है, पर ऐसी जगह पे लगाया है जहाँ पे पूरे दिन की धूप नहीं पड़ती। शाम के समय इसमें धूप पड़ती है इस जगह पे मेरी। तो अभी देखिए, पूरे फूल इसके खिले हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। गार्डन में ऐड करने, थोड़ा कॉस्टली है ये प्लांट, मुझे ये 250 का मिला था, तब ये बहुत छोटा प्लांट था। एक बारी खिलने के बाद ये फूल कई दिनों तक इसी तरह चलता है, सारे के सारे जो भी इसमें कलियां थी सब खिल गई हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।